पिछवाई भारतीय लोक चित्रकला की मनभावन एवं सुंदरतम विधा है। इसमें हम श्रीनाथ जी का आराधन करते हुए कमल के फूलों, गौ माता और अन्य सुंदर प्रतीक बनाते हैं। आज का ये वीडियो इसी कला को समर्पित एक छोटा सा प्रयास है। ये जो आप पुरानी जंग लगी गाय के गले में बांधने वाली एक घंटी देख रहे हैं, ये एक स्विस काउबेल की है, जिसे हम आज भारतीय कलेवर से सजाने वाले हैं। और इसके लिए हमने चुना है पिछवाई कला को, क्योंकि इसमें गाय को विशेष महत्व दिया जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चुनमुन क्राफ्ट्स एंड क्रिएटिविटी में, और मैं हूं आपकी दोस्त अपर्णा, और ये है मटेरियल की लिस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले घंटी पे लगे जंग को साफ करना होगा, और इसके लिए हम लेंगे ये रेगमार्क, या हम जिसे सैंड पेपर कहते हैं। ये काम थोड़ा टाइम टेकिंग ज़रूर है, लेकिन ऐसा करने से रंग अच्छे से चढ़ेंगे भी और जचेंगे भी। बेस कोट के लिए आप चाहें तो चॉक पेंट चूज़ करें या एक्रेलिक कलर। मैं हमेशा एक्सटीरियर वॉल डिस्टेंपर में एक्रेलिक कलर मिक्स करके ही बेस कोट बनाती हूँ। हर एक कोट को सूखने का टाइम देंगे और उसके बाद दूसरा कोट करेंगे। इस तरह से मैंने कुल 3 कोट किए हैं और रिजल्ट आप देखेंगे अभी। यहाँ पे रंग आप अपनी पसंद के चुन सकते हैं, और ये 3 कोट के बाद और पूरी तरह से सूखने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा है। अब हम पैटर्न इस पे पेंसिल से बनाएंगे। ये जो आप देख रहे हैं ये रेफरेंस शीट है जो मैंने पिंटरेस्ट से निकाली है। आप भी अपनी पसंद का कोई भी डिज़ाइन इस पे उकेर सकते हैं। अगर आप ड्राइंग नहीं कर सकते तो आप इसको ट्रेस कर लें। रंगों को आप अपनी पसंद से चुनें। मैंने यहाँ पर गाय के चित्र को बनाने के लिए इंडियन रेड कलर को चूज़ किया है। फेविक्रिल ब्रांड का कलर है ये। आप किसी और ब्रांड के कलर्स भी यूज़ कर सकते हैं, एक्रेलिक कलर्स चूज़ कीजिए। पिछवाई बनाने में हम सुंदर रंगों को, चटक रंगों को चुनते हैं। बैकग्राउंड मैंने येलो लिया है, आप स्काई ब्लू, वाइट या पिंक कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आप पहले आउटलाइन दें, और उसके बाद आपको जो रंग आप भरते हैं उनको उसी रंग के लाइटर या डार्कर शेड के साथ मर्ज करते हुए कलर करने होते हैं। यहाँ पर मैंने गाय की आँख बना दी है। आप इसे अगर कंफर्टेबल ना हो तो ब्लैक परमानेंट मार्कर से भी बना सकते हैं, नहीं तो इसको बनाना इतना भी मुश्किल नहीं है। आप 0 नंबर का राउंड ब्रश चुनें, और इस तरह हम पूरे चित्र में आउटलाइन दे देंगे। और अब बनाते हैं कमल का फूल। सबसे पहले रेड कलर से हम इसकी आउटलाइन दे रहे हैं, और फिर इसको पूरी तरह से इसी रंग से भर देंगे। अब आप चाहें तो आउटलाइन के बाद 2 नंबर का राउंड ब्रश यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ जब ये कलर सूखा नहीं है, हम वाइट कलर से इसमें शेडिंग देंगे, मतलब कलर को मर्ज करेंगे। रेड कलर के गीले रहते हुए ही इसमें हम वाइट कलर मर्ज करेंगे। इससे पिंक, रेड और वाइट का बड़ा सुंदर प्रभाव आता है। और ये देखिए, आप बेल की बैक साइड पे एक और कमल का फूल हम पूरी तरह से उसी तरीके से बना देंगे, साथ ही साथ वाइट कलर से मर्ज कर देंगे। कमल की फूल की पत्तियाँ और कमल नाल बनाने के लिए हम सैप ग्रीन कलर यूज़ करेंगे। उसी टेक्निक के साथ पहले हम ग्रीन कलर को पूरा भर देंगे, और फिर उसमें लाइट कलर से थोड़ा थोड़ा मर्ज करेंगे। पूरी तरह सूखने के बाद और रंगों से इसमें डिटेलिंग करेंगे। काओ के चित्र में अब हम अंदर सफ़ेद रंग भर रहे हैं, क्योंकि येलो कलर से वो इतना उभर के नहीं आ रहा था। इसके बाद हम इसको फिर से एक आउटलाइन देंगे और कंप्लीट करेंगे। गाय के सींगों को सजा दें आप, और ये हमने हाथ की छाप बनाई है। शायद आपने नोटिस किया हो कि गाय पर गेरू से हाथ की छाप बना दी जाती है, उस पर निशान बनाने के लिए। तो वैसा ही एक प्रयास किया है यहाँ पे। फिर से हम वाइट कलर से कुछ डिटेलिंग दे रहे हैं। आप अपनी पसंद से ये काम कर सकते हैं। आप चाहें तो कुछ और तरीके से भी इसको डिटेल कर सकते हैं।
वाइट के बाद मैंने कहीं कहीं ब्लैक की डिटेलिंग भी की है, आप चाहें तो स्टेप को स्किप कर सकते हैं। और अब हम इसको और सजाने के लिए इसमें गोल्ड डस्ट को बाइंडर के साथ मिक्स करके उसकी डिटेलिंग देंगे। गाय के सिंग सजा दिए हैं और गाय के गले में कंठी डाल दी है गोल्डन कलर की। इसके अलावा फूलों पे थोड़ी थोड़ी डिटेलिंग दे दी है और जो घंटे का ऊपर का हिस्सा है इस पर हमने पूरा गोल्डन कर दिया है। इससे बड़ा सुंदर लुक आ रहा है इसका। और जब ये पूरी तरह सूख जाएगी तो इस पर हम एक वार्निश का कोट देंगे। और इस तरह से हमारी ये काउबेल पूरी तरह से तैयार है। आप चाहें तो इसे अपनी बालकनी या टेरेस पे विंड चाइम की तरह यूज़ करें या फिर इसको आप अपने घर पे डोरबेल की तरह लगाएं, जैसा आपको ठीक लगे। और आप किस तरह से इसको बनाते हैं और सजाते हैं इसका आइडिया चाहें तो इंस्टाग्राम पे मेरे साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर आपको मेरी ये काउबेल या ये तरीका पसंद आया हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिएगा। चाहें तो आप इसको यहीं तक बना सकते हैं, लेकिन मैं इस पर कुछ और भी करना चाहूँगी। ये एक हैंड एम्ब्रॉयडर्ड वेलवेट लेस है जो मेरी नानी सास ने बनाई थी। मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड समझती हूँ कि मेरे पास ये है। एक सेक्शन इसमें से मैं इसमें यूज़ करने वाली हूँ। बेल को हैंग करने के लिए एक होल्डर बनाएंगे इससे हम। और इसको मैंने फैब्रिक ग्लू से पेस्ट कर दिया है। आगे का हिस्सा मैंने एक साटिन रोप से बनाया है, डिफरेंट कलर की है। इसमें से मैंने येलो कलर चूज़ किया है, आप भी अपनी पसंद का कोई कलर चूज़ कर सकते हैं। और फिर इसको क्रोशिया हुक से एक डोरी की तरह तैयार कर लिया है। बीच में मैंने प्लास्टिक बीड्स लगाए हैं, मैचिंग या कॉन्ट्रास्ट कलर चूज़ कर सकते हैं आप। और इस तरह से इसको सेट करना है। अब ये बिल्कुल ओरिजिनल काउबेल जैसा लग रहा है। इसमें एक और बीड लगाएंगे और फिर ये हैंग करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगा। और इसकी फाइनल लुक बिल्कुल अब तैयार है। आप इसको कहीं भी हैंग कर सकते हैं, चाहे विंड चाइम की तरह यूज़ करें चाहे डोरबेल की तरह। चुनमुन क्राफ्ट्स एंड क्रिएटिविटी को अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में नई क्रिएटिविटी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।